वाले वीडियो में एक्चुअली कवर कर चुके थे कि जो आपका साइन थीटा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो वर्ड है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये ऑलरेडी कवर है तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तो इसमें हमें आपको बिल्कुल माइंड में एकदम बैठा कर रखना है, तभी ये इजी होगा। बेसिकली ये बताने के इसलिए रीजन है क्योंकि अब इसी बेस पे ही सारी चीजें होंगी। अब जैसे लेट से आपने यूज किया जो हमने पहले बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, सिमिलरली इसी तरीके से कॉस थीटा आपका क्या था बी अपॉन एच, एंड देन टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन हमें ध्यान से देखना है। अब हमें आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। तो एक चीजें दिमाग में रखनी है, मैंने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को कवर करा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है क्वेश्चंस इस पे कैसे आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। इसको अलग अलग टर्म्स में यूज भी करते हैं। तो लेट से 90 डिग्री है, जिसके सामने वाला आपका एच है, दिस वन इज पी और बी। एक बार ध्यान रखना कि पी और बी आपस में कभी भी इंटरचेंज हो सकता है। अगर आपने इसको बी माना है तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर आपने इसको बी माना है तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो है इंटरचेंज हो सकता है। अब हम आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देगा। तो एक हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लेट से आपके पास दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4, मतलब क्वेश्चन है एक साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4। मैं थोड़ा वैल्यू इंटरचेंज करता हूं, इसको मैं 4/5 करता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है कैसे, आपको और दूसरे फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो, ट्रिगोमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बोल सकते हैं। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है। तो ऑलरेडी मैंने मेंशन आप लोगों को कराया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू क्या है पी अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पहले आप लिखेंगे पी अपॉन एच, और फिर ये जो वैल्यू दी हुई है उसी को आप लिखेंगे जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब कंपैरिजन करेंगे 4 जो है ऊपर और फिर एच के साथ 5 को, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, क्योंकि पी ऊपर टॉप में है, यहाँ 4 टॉप में है, तो पी को कंपेयर करके पी 4 हो गया और एच आपका कंपैरिजन करके हो गया 5। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो आपको पी और एच की वैल्यू मिलेगी, बाकी किस चीज की है बी की। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है बी निकालने की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास एच की वैल्यू पड़ी हुई है, पी की भी वैल्यू है, आपको बस बी की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, एच की जगह पे वैल्यू रखो, सिंपल है ये। और ऑलरेडी मैंने स्क्वायर रूट्स आप लोगों को बता दिया हुआ है स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो एच क्या हो गया आपका यहाँ 5 का स्क्वायर, पी की जगह पे आपको क्या लिखना है दैट इज 4 और प्लस बी स्क्वायर, और आपको यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है। तो 5 सिमिलर 25, यहाँ 16 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर लो, इधर हो गया बी स्क्वायर दैट इज 9 इधर बी स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला था, अब इसको डिफरेंस कर लो, बी रूट 9 में करो तो क्या आएगा 3 दैट इज बी इक्वल टू 3। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बट फिर भी आपको पहले इसलिए फर्स्ट बार में समझा दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, b इक्वल टू 3 आ गया, h और p की वैल्यू ऑलरेडी है, p 4 है, h क्या है 5। अब आपको यहाँ पे फिर से सिमिलरली सारी चीज की वैल्यू लिख लेनी है, जैसे p इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू 3। अब आपके पास साइन थीटा तो ऑलरेडी था ही, साइन थीटा क्या है 4/5। अब आपको उसके अलावा सारा ट्रिगो रेशियो निकालना है, जैसे उसके अलावा आपका हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच आपको लिख देना है। बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, बी इक्वल टू क्या है 3, तो 3 और एच की वैल्यू क्या है 5। फिर इस तरीके से सिमिलरली
टैन थीटा है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी, 4, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। फिर इसी तरीके से आप कॉट कॉट पे आ जाइए, तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन का अपोजिट। तो अपोजिट है तो सिंपल क्या करना है आपको, जो इसका वैल्यू हो उसको बस अपोजिट कर लेना है, यानी कि 3/4। उसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5/3। सिमिलरली साइन थीटा निकाले थे तो उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/4। तो आपको पूरा ये जो जब भी बोले कि ऑल ट्रिगो रेशियो निकालना है तो आपको 6 निकालना पड़ेगा। 6 कौन कौन सा, एक तो आपका बेसिक हो गया साइन, कॉस और टैन, और फिर इन तीनों का अपोजिट निकालना, 3 ही है, लिखना सिर्फ 6 है वैल्यू इंटरचेंज करके। तो अब आपको मैं एक बार और इस पर रिपीट कर दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन रहेगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो। आपको फिर पहले क्या करना है, टी एच और बी उसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको फॉर्मूला पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, फिर उसमें वैल्यू पुट अप करना है। मैं एक और एग्जांपल इसमें कवर करूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए।